बॉलीवुड में और जैसे सिचुएशन हो गया है, जैसे कि आपको पता होगा कि दो मूवी बड़े बड़े मूवी आ रहा है जो कि बोल बोले हैं थ्री अनसीन हो अगेन। सो दोनों ही एक ही सेम डेट पर रिलीज होगा ऑन स्क्रीन काउंट के लेकर भाई बहुत ही मारामारी चल रहा है। अभी तो ऐसा आ रहा है कि बोल बोले थ्री का भी कुछ नया चीज़ दिखा रहे हैं कि ये देखो हमारे मूवी में इतना पोटेंशियल है, ये चीज़ है। कभी सिंघम थ्री आके ये बोले कि हमारे मूवी में ये देखो ये पोटेंशियल है। देखो पहले से हो रहा था ना कुछ जाके सरप्राइज मिलेगा आपको मूवी देख के, लेकिन अभी क्या सिचुएशन में अभी ये हो रहा है कि अभी आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि मैं एक वीडियो में बताया था कि चुलबुल पांडे यानी सलमान खान दिखने वाले हैं सिंघम अगेन में। सो ये चीज़ मतलब कंफर्म मान लो, ऑफिशियल कंफर्म नहीं है लेकिन कंफर्म सी मान लो, ये ना के एंड ये ना के सेम ही बात है ना भाई, ठीक है। सो अभी रिसेंटली बिग बॉस में रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन गए थे तो भाई बातों में बता ही दिए कि है, ठीक है। तो अभी सिचुएशन ये हो रहा है कि एक मार्केट की तरफ ले रहे हैं कि सपोज ये जाके बोलेंगे कि देखो हमारे पास ये पोटेंशियल है, भाईजान भी है हमारा मूवी में। सो सोच रहे हैं ना सो स्क्रीन काउंट को लेकर भाई, क्योंकि जिसको जितना स्क्रीन मिलेगा एंड इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका एडवांस बुकिंग किसका कितना बड़ा है, मतलब मूवी का स्केल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मूवी का स्केल किसका कितना बड़ा है एंड मूवी का स्टोरी कितना अच्छा होगा। पहले दिन दो दिन तो वीकेंड में चल जाएगा, लेकिन ये इसमें पहले बोल रहा था ना इसका एडवांस बुकिंग काफ़ी डिपेंड करता है कि मूवी कलेक्शन के ऊपर। सो देखते हैं। सो स्क्रीन काउंट की बात करें तो अभी फिलहाल जो कंडीशन है, भूल भुलैया 3 भी बोल रहे हैं कि हमको 50-50 आधा आधा स्क्रीन दो, लेकिन अभी का जो सिचुएशन हो रहा है 60-40 या तो 55-45 ऐसे करके मिलेगा। सिंघम अगेन को ज़्यादा स्क्रीन मिलेगा नो डाउट, एंड भूल भुलैया 3 को कम स्क्रीन, बट ये डिपेंड करता है कि मूवी कितना अच्छा होगा, मूवी किसका चलेगा, स्टोरी किसका अच्छा होगा। अगर भूल भुलैया 3 का स्टोरी अच्छा निकल जाए तो इससे स्क्रीन काट के उसको देंगे 100%, 3-4 दिन चलेगा उसके बाद इसी को स्क्रीन मिलेगा, ठीक है। अगर सेम चीज़ अगर सिंघम अगेन अच्छा निकलता है तो उसका स्क्रीन इसमें ऐड हो जाएगा। सो अभी डिपेंड करता है कि मूवी कैसा होगा, मूवी का स्टोरी कैसा होगा एंड पब्लिक का रिएक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक किसको चूज करेंगे वही ऊपर जाएगा, ठीक है। समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।